बच्चों, चेहरे पर फेशियल हेयर हटाने के लिए मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए। कई बार सोचती थी आपको कैसे समझाऊं, लेकिन आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। बहुत सारे ट्रीटमेंट आपको बताए हैं, ये क्यों हो जाते हैं, कैसे इन्हें हटाया जा सकता है और ये कितने बुरे लग सकते हैं। अगर बचपन में हम ध्यान दें तो ये हट सकते हैं हमारे बच्चों के, तो इसलिए ये पूरा वीडियो आप बिना स्किप किए हर ट्रिक्स को, हर चीज़ों को आप समझो और देखो, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। पुरुषों की तरह कई महिलाओं के भी चेहरे पर काफी सारे फेशियल हेयर होते हैं। हल्के से रोए होना तो सामान्य बात है, लेकिन मोटे मोटे हेयर्स होना बहुत बड़ा चिंताजनक बात हो जाती है। वैसे तो ये महिलाओं को जो बाल आते हैं तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है हार्मोनल की प्रॉब्लम। तीसरा कारण हो सकता है PCOS एंजाइम की कमी और शरीर में कॉर्टिसोल नाम के एक हार्मोन की जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से चेहरे पर अनचाहे बालों का हो जाना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी पार्टी या फंक्शन में जाना हो तो ऐसे में सबसे पहले उन्हें पार्लर जाना पड़ता है चेहरे का वैक्स करवाने। कई लोग तो फेशियल हेयर हटवाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो कि लाखों रुपए में होता है और कई सिटिंग में जाके वो खत्म होता है। उसके बाद भी डॉक्टर भी पूरी गारंटी नहीं लेते कि ये हमेशा के लिए आपके बाल चले गए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अगर आप घर बैठे चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने का सुरक्षित और असरदारी तरीका ढूंढ रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आप चाहें तो ये फेशियल हेयर रिमूवल फेस या आईब्रो रेजर यूज करके हटा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हटा के दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आजकल इस तरीके से अगर हल्के हल्के आपको गालों के पास आ जाते हैं थोड़े हेयर, तो महीने, दो महीने में, तीन महीने में आप इस तरीके से हटा सकते हो। बहुत ही सरल तरीका है। या फिर आप पार्लर में जाके वैक्स करवाते हो तो उससे कहीं अच्छा तरीका मैं आपको एक पैक बताती हूँ, जो आप यदि यूज करोगे तो दो तीन महीने में अगर आपने एक बार भी ये पैक यूज किया तो आपके चेहरे के अनचाहे बाल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। और हाँ बच्चों, हम पैक बनाए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है। इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए बच्चों बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला चाहिए कच्चा दूध। हमें उबला हुआ दूध नहीं चाहिए, कच्चा ही दूध चाहिए, क्योंकि हम अपने फेस के लिए ये पैक बना रहे हैं। सुबह जब हमारे पास कच्चा दूध आता है ना, उसे आप थोड़ा सा कटोरी में निकाल कर रख दीजिए फ्रिज में। जब आपको टाइम मिले तब आप ये पैक बनाइए। तो अब इस कच्चे दूध के फायदे क्या है पहले वो सुन लेते हैं। कच्चे दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। उबलने के बाद उनका जो पावर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। कच्चा दूध हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को खूबसूरत बनाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट ले रहे हैं जिलेटिन। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें एक चम्मच भर के जिलेटिन ले लीजिए। जिलेटिन आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पर या फिर जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है, पुडिंग का सामान मिलता है, वहाँ आराम से आपको मिल जाएगा। अब उसमें आप धीरे धीरे करके दो से तीन बार कच्चा दूध डाल दीजिए। कच्चा दूध डालने के बाद इस तरीके से आप डबल बाउलर में कटोरी को रख दीजिए। डायरेक्ट मत रखिए, डायरेक्ट रखेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। कभी भी मत रखिए। आप क्या कीजिए, इस तरीके से नीचे गैस लो रखिए, एक पैन में पानी रखिए। जैसे जैसे वो पानी गर्म होता रहेगा, छोटी सी पिंचेस या बड़ी पिंचेस से आप इस तरीके से मिलाते रहें, जिससे इसके जो जिलेटिन के ग्रैन्यूल्स हैं ना, वो सारे मेल्ट होते जाएं। जब ये मेल्ट होंगे तभी आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी देंगे। इस तरीके का पेस्ट बनना चाहिए। अब इस पेस्ट में हम तीसरा चीज क्या डालने वाले हैं, जैसे कि हमारे चेहरे पर हमारे चेहरे की चमक न खोए, तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हनी। शहद हमारे घर में होती है, बस वो आप मिला लीजिए। शहद में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो नेचुरल एक्सफोलिएटर के रूप में हमारी त्वचा पर काम करते हैं। जब आपकी स्किन साफ रहेगी तो वो नेचुरली ग्लो करने लगेगी। रात में चेहरे पर शहद लगाने से आपकी स्किन निखरने लगेगी। फिर इसे थोड़ा और चला लीजिए और दो चुटकी आप डाल दीजिए इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि एक तो हल्दी से हमारा चेहरा चमकता है, दूसरा क्या होता है, वैसे तो हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से इस फेशियल इस पैक को लगाएंगे, पर फिर भी किसी वजह से
आपको स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो हल्दी है ना वो एंटीसेप्टिक गुण की वजह से आपको बचा के रखती है, तो हल्दी इसमें ज़रूर डालिए। एक और बात, इसके ग्रैन्यूल्स जब पूरे साफ हो जाएं, बिल्कुल मतलब ये पेस्ट बन जाए, तभी इसे लगाना शुरू करें। एक और बात, लगाने से पहले आपको चेहरा बिल्कुल अच्छे से साफ करके अच्छे से पोंछ लेना है। एक और बात आपसे कहूंगी, ये बहुत जल्दी जम जाता है, लेकिन इसे गर्म भी यूज नहीं करना है, तो बस इतनी सा ही आपको ध्यान रखना है कि गर्म यूज नहीं करना है, लेकिन ठंडा भी बहुत नहीं होना चाहिए। एक और बात, जब आपको ऐसा लगे कि ये ठंडा हो रहा है तो वापस इसी पैक को आप गर्म करके पानी में थोड़ी देर के लिए फिर से रखिए और फिर इसे यूज कीजिए। माथे पर लगाने के लिए मेरे पास जो है वो थोड़ा ठंडा हो रहा है तो मोटा हो रहा है, तो मैं अब थोड़ा सा इसे गर्म पानी में फिर से रख रही हूँ। नाक के आसपास, गालों के आसपास, चेहरे पर, सब जगह आपके बाल सारे हट जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने गलती क्या की, मैंने गर्म पानी में जो ये रखा ना पैक, तो मैंने ब्रश भी साथ में रख दिया, तो उसका कालापन इसमें आ गया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वापस से गर्म हो गया हल्का और मेल्ट हो गया। मैंने चेहरे के ऊपर जो माथा होता है वहाँ पर भी लगा दिया। अब आपको करना क्या होगा, पूरे 30 मिनट, 25 से 30 मिनट फैन के नीचे बैठ जाइए। एक और बात, जब आपको 30 मिनट बाद इस तरीके से सूखे और चेहरा खिंचने लगे तो धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में आप इस तरीके से हटाइए। थोड़ा सा लगेगा जरूर, पर अपने हाथों से धीरे धीरे शांति से, बिल्कुल भी जल्दी ना करते हुए आप हटाइए। कई बार तो आंसू भी आ जाते हैं, पर 5-6 महीने में भी ये काम करेंगे ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप देखिए चेहरे पर कोई भी जो बाल है ना वो बिल्कुल हट जाता है, छोटा छोटा रुआ बिना इससे चेहरे से हट जाता है, जिससे अब आप जब मेकअप करोगे ना तो वो बहुत ही चेहरा चमकेगा, अच्छा लगेगा। अगर आप रुएं के साथ मेकअप करते हो ना तो चेहरा बहुत अजीब सा लगने लगता है। ये देखिए मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, जो भी मेरे आसपास खड़े हैं ना सब बहुत ही खुश हो रहे हैं कि वाह ऐसा भी मैजिक हो सकता है क्या, रियली ये मैजिक हो सकता है। ठंडे पानी से फेस को धो लीजिए जिससे आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाए। अब लास्ट आपको क्या करना है, ये देखिए, या तो आप गुलाब जल से चेहरे की हल्के से स्प्रे कर लीजिए या फिर मॉइस्चराइजर से हल्का सा मसाज कर लीजिए। आपका चेहरा बिल्कुल चमक गया। करवा चौथ के लिए अब आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम मैंने आसान कर दिया है बच्चों। वैसे इस उम्र में मैं ये सब नहीं करती हूँ, पर क्योंकि आपके ढेरों कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जब तक मैं कुछ अपने चेहरे पर नहीं करूंगी तो आपके साथ में शो कैसे कर पाऊंगी। ये कैसा लगा वीडियो बच्चों, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए।